अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मुर्गियों को पानी डालेंगे, वो भी गर्मी में है, इतनी गर्मी है। और हमारे पास सोलर प्लेट वाला पंप भी है, वो भी दिखाएंगे। और वो हम चलाते हैं किस तरह है, वो भी दिखाएंगे। और हम आज टर्की को भी नहलाएंगे। आज चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं तो अपने घर की छत पर जा रहा हूँ और इधर से प्लेट तारों की निकाल के लाएंगे। और ये हमारे पास तीन प्लेटें हैं, एक ये बड़ी वाली प्लेट है, ये दो छोटी हैं। और सबसे पहले मैंने तोतों वाले कमरे में जाना है, इनसे इनका कूलर बंद कर देना है, क्योंकि एक चीज़ एक वक्त चलती है ना। और ये मेरे पैरट्स हैं और शोर भी मचा रहे हैं, ये इनका कूलर चल रहा है, ठंडी हवा भी दे रहा है। इनका कूलर करेंगे बंद, इस तारों को अब नीचे फेंकेंगे, क्योंकि हमने अपना सोलर प्लेट वाला पानी वाला पंप चलाना है। चलता हूँ, देख रहे हैं, मैंने तारों को इकट्ठी कर लिया और इस पर थोड़ा सा कपड़ा डाल दिया, क्योंकि अगर दो प्लेटें इकट्ठी एक पंप को मिलेंगी हमारी मोटर सड़ भी सकती है। और ये मैं छड़वा रहा हूँ तारें, अब इसको ही नीचे फेंकेंगे, इस तरह नीचे फेंक देंगे सब तारे। तो नीचे उसी छत पर से तारे फेंकी थी वो इधर आ गई हैं, अब इनको नीचे लगाएंगे मोटर के साथ। निकल जा। और ये तारे हमने निकाल लिए, अब इसको बैटरी के साथ लगाएंगे। ये लाल वाली हमारे पास प्लस का ऑप्शन है, जिधर लाल वाले लगे इधर लाल को लगा देना है और इधर माइनस को लगा देना है। ये बैटरी हमारे पर लगी है और ये मैंने तारे इधर लगा दी हैं। और इसको थोड़ा सा ऐसे लगाने के बाद इसको ऐसे लगा देना है, मोटर चल पड़ेगी और इसको उतार देना है। इससे ये फ़ायदा होगा हमारी मोटर तेज़ चलेगी। और जो सबसे पहले हम नीचे पानी पूरी हवेली में पानी छिड़केंगे, इधर सारी जगह अच्छे से चला लेंगे। जो देख सकते हैं आम टूटी से ज़्यादा पानी आ रहा है मोटर से, वो हमारे पास मोटर है, आप मोटर भी देख लें, इस मोटर से पानी आ रहा है। ये तारे हमने उधर लेकर गए हुए हैं, इसी तरह सारी हवेली में पानी छिड़क लेना है। और इसके बाद हमने टर्की को भी एक टर्की को भी नहलाना है, इसी तरह सारी हवेली में छिड़कते रहेंगे। अब दूसरे नंबर पर गर्मी है, सुबह भी मैंने पानी चेंज किया था और अब भी मैंने पानी चेंज करना है, क्योंकि दोपहर को दो बार चेंज करते गर्मी इतनी है। अब सबके मैं बर्तन निकाल लेता हूँ, तब तक ये इधर बत्तखों वाला खाली भर रही है। और ये भी डब्बा निकाल लिया, इसी तरह सारे डब्बे निकाल लेंगे। मैंने सारे डब्बे बाहर निकाल दिए, वो बत्तखों का भी टोवा भर रहा है, वो देख कैसे खेल रही हैं और वो लड़ाई कर रही हैं। और पानी वाले जो से डब्बे निकाले थे उधर में से पानी भी पीने लगी हैं। मैंने अब सारे डब्बे भर दिए हैं, अब इसमें पानी डालकर मैं आपको दिखाता हूँ। इनको मैंने सुबह धो लिया था, मगर बस सुबह टाइम मैं सारे खोल के धोता हूँ अपने, अभी गर्मी है, बस ऐसे धो धो के ऐसे ऊपर से गंदगी दिखी है वो खड़ी कर देनी है, इस तरह साफ साफ पानी डाल देना है। और इस तरह ये जो ये है ऐसे पानी छिड़क कर ये साफ हो गया। अब इसमें पानी भर कर ये ऊपर वालों का है, इनके ऊपर ये ढक्कन नहीं लगे हुए हैं, बस ऐसे ही हैं, ये इधर भर गए हैं, जैसे ये खाली है इधर नीचे भी कीचड़ हो जा रहा है और ऊपर से भी भर जाता है। और ये भी भर गया है, अब थोड़ी देर बाद टर्कियों का भी हमने पानी डालना है। और जब मैंने ये सबको सबको रखेंगे नीचे इनके केज में। अभी हमारे पास सिल्की है, सिल्की आप देख सकते हैं, बस मेरे पास दो हैं, एक मिनी सिल्की है एक बड़ा सिल्की है। जिससे हमने लिए थे वो कह रहे थे एक मिनी है एक बड़ा है, एक नर है एक मादी है। और हम इसी तरह सब केज में रखेंगे, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, दो बार इसलिए पानी चेंज करना पड़ता है। ये भी नीचे रख दिया हमने, इसी तरह सब केज में रखेंगे। ये ब्लैक बैंटम, और इसी तरह सब केज में रख के बाद में टर्कियों के पास जाएंगे। चल बाय।
ये देखें बख्ते नहा रही हैं पानी में, ये बहुत खुश हैं। हम हर रोज इस क्यारी में पानी भर देते हैं और ये नहा लेती हैं अच्छी तरह। ये पानी में खुशी खुशी से नहा रही हैं, वो भी अब खेलना शुरू कर दिया है, देख सकते हैं मस्ती करना शुरू कर दिया है। आपको मैं अपनी कुड़क वाली बतखे भी दिखाता हूँ जो सी कुड़क पर बैठी हुई हैं, और ये माशाल्लाह से तीन बैठी हुई हैं, एक ये बैठी है और ये दो बैठी हैं पक्की तरह। और जब मैं इनके पास जाता हूँ ये मुझे मारती भी हैं, और ये देख सकते हैं पाँच अंडों पर बैठी हुई हैं तीन बतखे, और इसने मुँह भी खोला है मुझे मारने के लिए। और उधर सब खेल रहे हैं नर और मादी अंडों पर बैठी हैं अंडे निकाल रही हैं। अब चलते हैं अपनी टर्की की तरफ, उसको नहाएंगे। और ये हमारे पास बैठे हुए हैं टर्की, वो वाइट को कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, हम वाइट को नहाएंगे, इसको गर्मी इसकी दूर करेंगे। देख सकते हैं किस तरह पर खिलार के खड़ा है, बाकी दोनों सही हैं, वो ज़्यादा पर खिलार के बैठा है। और इससे पहले कि इसको नहाने से पहले तो हवेली में पानी छिड़केंगे सबसे पहले ना। ये देख सकते हैं अभी भी सूखी हुई है, इधर चिक्कड़ कर देंगे पानी, जितना ज़्यादा होगा इनको इतनी ज़्यादा ठंड लगेगी और इनको मज़ा भी आएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको पानी अच्छे से छिड़केंगे, सारी जगह गीली कर देंगे और इधर पैप पड़ा रहने देंगे। जैसे ये भर रही है खाली, इस तरह भरेगी और ये नहाने लग जाएंगे। थोड़ी देर तक बच्चे भी इनके आ जाएंगे, वो दूसरी तरफ गए हुए हैं। और टर्की के केज में भी थोड़ा सा पानी छिड़का देते हैं, इसी तरह सारे केज में पानी छिड़काते हैं। आप देख सकते हैं मैंने सारे डब्बे पानी के रख दिए हैं, और बतखों के बच्चे भी आ गए हैं वापसी पानी देखकर, और पानी हमारा आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। अब देखते हैं ये खेलते हैं कि नहीं खेलते। और हमारा आखिरी काम था कि टर्की को नहाना, नाइयाँ नाइयाँ करवानी। और ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी, मुझे तो वाइट सबसे ज़्यादा गर्मी करता दिख रहा है, क्योंकि पहले इसने पार भी खिला रहे थे, अब इसको पकड़ कर पहले नहाइयाँ नहाइयाँ करते हैं। अब भाई ये कैमरा पकड़ना, ये मैं इसको थोड़ा सा नहा दूँ। और मैंने ये वाइट टर्की को पकड़ लिया, अब इसको सबसे पहले नहलाते हैं। इसको छाँव में जाके नहलाते हैं अच्छी तरीके से, और पी पी भी करना शुरू कर दिया, कभी इसमें नहाया नहीं ना, गंदा भी कितना हुआ भी साफ करते हैं फिर। टर्की गला लगा, ये खुद ही अब बैठ गया नीचे नहाने के लिए, अच्छे से लहाइयां करा देते हैं। इसने भी नहा लिया, अब इसको खुड्डे में दोबारा छोड़ेंगे, नहा लिया, इनका बत्तखों का टवा भरने देते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने इसको नहा दिया, अब इसको वापसी केज में छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको गर्मी नहीं लग रही, बाकी दो को लग रही है। मैं कहता हूँ इनको भी नहा देता हूँ, मगर गर्मी या बाहर ना हो जाए, एक को ही नहाया, चलो ठीक है। और हमारी बतखों को अभी भी पानी छिड़का जा रहा है, और देख सकते हैं माहौल कितना अच्छा हो गया है, और सब बतखें नहाकर एक साइड पर खड़ी हो गई हैं, और वो हमारा इंग्लिश गेम भी खुला पड़ा है। और ऐसे की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।